السلام عليكم محمد. ओके, तो आज हम जो पेपर स्टार्ट करने लगे हैं वो मई जून 2017 का पेपर 2-2 है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर वन, द कंपोजिशन ऑफ एटम्स एंड आयंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर एंड चार्ट। कंप्लीट द टेबल। आपको सिंबल दिया हुआ है एक्सट्रीम राइट पे एंड दे हैव गिवन यू द एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर क्या होगा? सर सिक्स। सिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टू उन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? सर थ्री। थ्री एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? सर थ्री। थ्री। ओके, हियर वी हैव अ ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड 26 प्रोटॉन्स एंड 32 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो न्यूक्लियॉन नंबर हमारे पास क्या होगा? सर 56। 56 या 58। देखें, न्यूक्लियॉन नंबर बेसिकली क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, तो इन दोनों को ऐड कर दें 56। एटॉमिक नंबर क्या होगा? यस सॉरी 58 जी। एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके एटॉमिक नंबर होते हैं, तो ये 26 हो जाएगा। अगर हम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करें तो 3 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और अगर आप 26 प्रोटॉन नंबर या 26 एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपके पास ये किसका है, ये देखिए Fe, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे Fe 26, 58 एंड आयरन विद अ 3+ चार्ज मेंशन करेंगे। क्लियर है सबको? नाउ बोरॉन अकर्स नेचुरली as a mixture of two stable isotopes B10 and B12. The relative isotopic masses and percentage abundances are shown. Define the term relative atomic isotopic mass. Yes. Definitions yaad karni padengi. It is the mass of an isotope on a scale in which carbon 12 atom has a
mass of exactly 12 units. G, definitions yaad kar lijiyega. Okay. Now, calculate the relative isotopic mass of B11. ये देखें यहाँ पे mention नहीं है. Give your answer to 3-6 significant figures. तो आपने 6 significant figures में answer देना है. अगर आप recall करें, तो relative atomic mass find करने के लिए हम जो formula use करते हैं, वही formula use करेंगे. बट हम यहां से अब रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू लेंगे बोरॉन की, जो क्या है 10.8 है. क्यों? क्योंकि हमसे वो B11 का आइसोटोपिक मास कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं. तो रिलेटिव एटॉमिक मास 10.8 इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप जो कि B10 है, वो कितना है 10.0129 एंड टाइम्स इट्स अबंडेंस दैट इज 19.78 मल्टीप्लाई बाय X, जो कि रिलेटिव आइसोटोपिक मास है B10 का, जो कि हमें मल्टीप्लाई आएगा या प्लस आएगा बीच में. प्लस आएगा, मल्टीप्लाई परसेंटेज अबंडेंस और आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस और मास होते हैं, इनटू 80.22 एंड देन डिवाइडेड बाय. ये बात याद रखिएगा कि जो नीचे हम डिवाइड के बाद वैल्यू लिखते हैं वो इन दोनों का सम होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस 100 ही होता है, बट समटाइम्स 100 से डिफर भी कर सकता है. तो इसलिए आप उन दोनों को सम करके ही हमेशा लिखा करें. तो अब आपने x की वैल्यू सॉल्व करनी है. जी, कोई मुझे सॉल्व करके आंसर बता रहा है क्या आएगा? सर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, कोई और कर दे. ओके, जी कोई सॉल्व कर रहा है? एक्स इज इक्वल्स टू जी, कोई सॉल्व कर रहा है आप में से? सर मेरा आंसर 0.1099 आता. क्या रहा है? 0.1 जी नहीं, देखें 0.1 तो नहीं आएगा क्योंकि 10.8 AR है. तो इसके सर 10.99 बेटा 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले जरा दोबारा. 10.99401 ओके, सो हियर वी गॉट अ 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो जब 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है तो आपने 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आंसर देना है. अच्छा, अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है एक्स बनाने के लिए तो ये देख लीजिए कि x इक्वल होगा 10.8, डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 19.78 प्लस 80.22 देन माइनस 10.0129 इनटू 19.78 डिवाइडेड बाय 80.22. तो आपके पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए. जी क्लियर है सबको? यस सर.
Okay. Next, nitrogen is very unreactive. Explain why nitrogen gas is so unreactive. 2 marks के लिए है तो क्या explanation होनी चाहिए? जी, reactivity basically दो चीजों पे बहुत depend करती है. ठीक है, एक स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे और दूसरा डाइपोल पे. अगर मॉलिक्यूल में डाइपोल होता है यानी कि पोलर होता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से किसी भी चार्ज स्पीशी को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सकता है. तो नाइट्रोजन में ये दोनों फीचर्स ही नहीं है, मतलब कि उसका बॉन्ड वीक नहीं होता, उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है. और क्या होता है, इट हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इस पे कोई डायपोल प्रेजेंट नहीं होता. तो इन दोनों, क्योंकि 2 मार्क्स हैं तो हम दोनों बातें लिखेंगे. क्लियर है सबको? यस सर. ओके, डिस्पाइट द लो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अकर इन द एटमॉस्फेयर थ्रू बोथ नेचुरल एंड मैनमेड प्रोसेसेस. एक्सप्लेन व्हाई ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल कंबस्शन इंजन्स. सर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है और जब आई गेस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है. बेटा, इंटरनल कंबस्शन इंजन की बात होती है तो इंजन में बेसिकली नाइट्रोजन एयर में तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती, बट नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इनसाइड इंजन. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर हाई टेम्परेचर की वजह से. बिल्कुल, ड्यू टू हाई टेम्परेचर कार इंजन के अंदर जो है या किसी भी इंजन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन रिएक्ट करती है. ओके सर. सर, ये नाइट्रोजन एंड सल्फर वाला चैप्टर है ना? जी बिल्कुल. ओके, नेक्स्ट पार्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन यूजिंग अ सूटेबल इक्वेशन हाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल कंबस्शन इंजन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द एटमॉस्फेयर. तो बेसिकली सर वो कैटालिटिक कन्वर्टर की वजह से. हाँ, कैटालिटिक कन्वर्टर से सर. स्टेट भी करना है, बिल्कुल सही है, स्टेट भी करना है और इक्वेशन भी देनी है. सर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है और फिर नाइट्रोजन गैस हमारे पास आ जाती है. ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिड्यूसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. ठीक है, और फिर आप उसके बाद उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं कि नॉर्मली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अगर फॉर्म हुआ है वो और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों कैटालिटिक कन्वर्टर पे रिएक्ट करते हैं जिसके रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन गैस फॉर्म हो जाती है. ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे 2 प्लेस करूंगा क्योंकि नाइट्रोजन 2 है, और यहाँ पे 2 प्लेस करने की बात ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 प्लेस करूंगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 2 प्लेस करूंगा. देख लीजिए बैलेंसिंग, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें. नो सर. जी, बाकी सबको भी क्लियर है? यस सर. यस सर.
state the role of nitrogen dioxide, NO2, in the formation of acid rain by oxides of sulfur. Write a suitable equation to explain this role. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रोल आपने बताना है कि वो किस तरह सल्फर ऑक्साइड को जो है हेल्प आउट करता है एसिड रेन कॉज करने के लिए. तो बेसिकली इसका रोल क्या होता है कि NO2 एक्ट एज अ कैटलिस्ट, वो बेसिकली रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होता है. और कौन से रिएक्शन को कैटलाइज करता है? सल्फर डाइऑक्साइड एयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और एनओ बना लेती है. ठीक है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है. अच्छा, इक्वेशन टू में क्या होता है कि बेसिकली जो सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हुआ है व्हेन इट रेन्स इट डिसॉल्व्स विद द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. और सल्फ्यूरिक एसिड जो है रेन की के साथ जो है लैंड पे आता है और एसिड रेन कॉज करता है. तो ये जो एनओ बन गया है इसका भी आप एक्शन देख लें कि ये कैटलिस्ट कैसे है कि जैसे ये एनओ फॉर्म होता है ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वापस NO2 में कन्वर्ट हो जाता है ताकि फर्दर मॉलिक्यूल्स को जो है ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सके. ये क्लियर है सबको? जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज पूछ लीजिए. Suggest an equation to show how NO2 can contribute directly to acid rain. अब वहां पे उन्होंने देखे दोनों में अलग अलग बातें हो रही हैं. फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा कि किस तरह वो सल्फर ऑक्साइड से एसिड रेन करवा रहा है. अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली कैसे एसिड रेन कॉज करता है. तो बेसिकली यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन हमें दिखानी है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड खुद जो है एसिड कॉज कर रहा है. तो एक तो रिएक्शन ये होता है कि जो NO2 फॉर्म हुआ है ये जब वाटर मॉलिक्यूल से में डिसॉल्व होगा तो उसके रिजल्ट में इट विल फॉर्म नाइट्रस एसिड HNO2 एंड नाइट्रिक एसिड. तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 प्लेस करते हैं. ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर. Explain how the uncontrolled use of nitrate fertilizers on land can lead to severe reduction in water quality in rivers. जी, इसका कोई आंसर बता सकता है? 3 मार्क्स हैं. Yes, who can tell the answer? बायो स्टूडेंट्स, जी यूट्रोफिकेशन नहीं याद किसी को भी? सर ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, लगता है किसी ने भी पढ़ा. तो बेसिकली क्या होते हैं कि जो नाइट्रेट्स हैं
वो डिसॉल्व होने के बाद लीच्ड आउट टू नियर बाय रिवर, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट अल्गल ग्रोथ इज प्रोमोटेड। जितनी इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है उतनी अल्गाई जो है ज्यादा फॉर्म होने लग जाती हैं। और जितनी अल्गा सरफेस पे ज्यादा फॉर्म होती है उसकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है और सनलाइट ब्लॉक हो जाने की वजह से फोटोसिंथेसिस जो है स्टॉप हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो है एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। ये सब याद करने वाली चीजें जो कि नाइट्रोजन एंड सल्फर के चैप्टर में। ओके सर, चैप्टर को याद करने के सबसे अच्छा तरीका को बता दें। आप दोबारा बोलेंगी क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही थी इस चैप्टर को याद करने की ट्रिक्स बता दें। देखें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उन इवेंट्स को याद रखें तो उससे याद करना आसान होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट्रोजन बेसिकली एयर में तो रिएक्ट नहीं करती, मगर उसके दो रिएक्ट करने के पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो तब रिएक्ट करेगी जब एयर जब आपके पास थंडरस्टॉर्म कॉज हो और लाइटनिंग हो, ठीक है, तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की इक्वेशन क्या होनी चाहिए कि हमें पता है नाइट्रोजन डायटॉमिक है और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है तो क्या फॉर्म करती है? एनओ। अब अगर एनओ फॉर्म हो गया है तो जो इसका ऑक्साइड है वो जो है रिएक्टिव होगा। तो अब अगर रेन स्टार्ट होगी तो ये एनओ वाटर में डिसॉल्व होके, अच्छा सॉरी, ये एनओ फॉर्म हो गया इनिशियली। एनओ बीइंग मोर रिएक्टिव फर्दर ऑक्सीडाइजेस टू गिव यू एनओ टू, ठीक है। अब जब एनओ टू फॉर्म हो गई है तो ये एनओ टू वाटर में डिसॉल्व होके एसिड रेन कॉज करेगी। तो इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप कि जो कुछ एटमॉस्फेयर में हो रहा है उसको जो है ब्रेन स्ट्रॉम करना है और उसके साथ साथ उनकी इक्वेशंस को भी। एनओ का ऑक्साइड जो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो किससे रिएक्ट करेगा? देखें सबसे पहला स्टेप एक्चुअली ये होता है, या तो मैं हाफ हाफ मूव्स ले लूं, इनिशियली एनओ बनती है और ये कब होता है जब लाइटनिंग होगी, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, ठीक है। ये एनओ फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेता है? एनओ टू, ठीक है। अब एनओ टू के दो पर्पजेज हैं, अगर इटसेल्फ रेन होगी तो एक मिनट, तो अगर रेन होगी तो ये NO2 वाटर में डिसॉल्व होके इस तरह एसिड फॉर्म करेगा, ठीक है। अदरवाइज ये NO2 इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा और NO बनेगा, बट वो NO वापस अपने आप को रिस्टोर कर लेगा, ठीक है। फर्दर ये वाला रिएक्शन सेम रिएक्शन और कहाँ पे होता है? कार इंजन में भी होता है। ये सेकंड सोर्स हो गई एनओ की ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और ये एनओ जब एयर में और एग्जॉस्ट से आएगा तो वापस यही रिएक्शन करेगा, ठीक है, और एनओ टू बना लेगा।
जी ये बात क्लियर है। तो इस तरह आपको जो है इन इवेंट्स को जो है अंडरस्टैंड हम लोगों ने जब एसिडिक रेन बनाई थी तो पहले H2SO4 के साथ बनाई थी, उसके अंदर बीच में हम लोग ये देखें ऊपर वाली स्टेटमेंट का ये वाला पार्ट पढ़ें, रोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन बाय ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बोला है इधर इस जगह पे कि हाउ एनओ टू कैन डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू एसिड रेन। ओके, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। The hydrogen halides HCl, HBr and HI can undergo thermal decomposition. Thermal decomposition का मतलब क्या है सर? ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एलिमेंट्स। ठीक है, और जब भी थर्मल डिकम्पोजिशन होगी तो इट मींस कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड है तो। ठीक है, कौन से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। इन अ सील्ड कंटेनर एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन शोन। ठीक है, जहां पे उन्होंने जनरल हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया जो कि क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है। सम बॉन्ड एनर्जीज आर शोन इन द टेबल। यूज द डेटा टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच for the thermal decomposition of hydrogen bromide according to the equation shown. yani ke wo ye keh rahe hain ki ab aapke paas ye hai, theek hai, aur iska aapne enthalpy change calculate karna hai. to aap mein se koi bata sakta hai kaise calculate karenge? sir Hess's cycle. नहीं, यहाँ पे आपको क्या दी? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज के रिजल्ट में जो है जब भी गिवन हो बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड फॉर्मिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड फॉर्मिंग, तो बॉन्ड ब्रेक कौन सा हो रहा है? सर HBr। HBr का हो रहा है और टू मोल्स ऑफ HBr है तो टाइम्स टू हो जाएगा, यानी कि 2 into 366 माइनस बॉन्ड फॉर्म किसके हो रहे हैं? एक हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है तो 436, और 1 मोल ऑफ ब्रोमीन फॉर्म हो रहा है सो 193। सॉल्व कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। सर पॉजिटिव 103। ओके, पॉजिटिव 103। सर ये तो ये वाले क्वेश्चंस 3 मार्क के नहीं होते? वो हेसे साइकिल वाले होते हैं, यहाँ पे हेसे साइकिल नहीं है। एंथैल्पी चेंज डिटरमाइन करने की थी। हां, जिसको एंथैल्पी चेंज साइकिल से निकालनी होती है वो वाले होते हैं। ठीक है सर जी,
सर हमारे पास एंथैल्पी चेंज को डिटरमिन करने की थ्री फॉर्मूलेज होते हैं ना, थ्री वेज होते हैं. कौन कौन से जरा बताएं. सर एक है साइकल, एक बॉन्ड एनर्जी फॉर्मूला, और एक और एक सर आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है. सर और थर्ड वाला होता है जिसके अंदर एम सी डेल्टा टी से. ओके बिल्कुल. तो ये देखें डिपेंड करता है. अब अगर आपको यहाँ पे बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यूज दी हुई थी तो हमने यूज किया बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड फॉर्मिंग. अगर हेसिस साइकिल तब यूज करते हैं जब आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन की वैल्यूज गिवन हो. और थर्ड फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है बेसिकली, अगर आपको एग्जैक्टली एंथैल्पी चेंज मालूम करना है तो एम सी डेल्टा टी ओवर नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हम तब यूज करते हैं जब हमें मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोवाइडेड हो अलोंग विद चेंज इन टेम्परेचर. और उस केस में ना तो आपको बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज प्रोवाइड की जाएंगी, ना एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन या ना एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन की वैल्यूज प्रोवाइड की जाएंगी. तो तब हम उस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं. और इसकी भी दो फॉर्मूलाज यूज होते हैं. एग्जामिनर आपसे हमेशा सबसे पहले जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज फाइंड करने की बात करेगा. और जब वो बात करता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, तो हम उस वक्त ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. मतलब उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स भी नीचे नहीं लेते और नेगेटिव का साइन भी यूज नहीं करते. अभी पास पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं उस वक्त समझा दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है. ठीक है? यस सर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं. एट द टेम्परेचर ऑफ 700 केल्विन अ सैंपल ऑफ HBr इज अप्रोक्सीमेटली 10% डिकम्पोज. चेंजिंग द टेम्परेचर इफेक्ट्स बोथ द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HBr एंड द परसेंटेज दैट डिकम्पोजेस. ठीक है, वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से अमाउंट भी इफेक्ट हो रही है और रेट भी इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सैंपल ऑफ HBr एट 700 केल्विन इज शोन. ईए रिप्रेजेंट्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन. ओके, आपको ये ग्राफ दे दिया है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का. यूज द सेम एक्सिस, स्केच अ सेकंड कर्व टू इंडिकेट द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एट अ हायर टेम्परेचर. जी, हायर टेम्परेचर का हम हमेशा कैसे बनाते हैं ग्राफ ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन? जब भी हायर टेम्परेचर होती है, पीक होती है वो थोड़ी सी आगे आ जाती है, उसके बाद ईए जो होता है वो लेफ्ट साइड पे मूव हो जाता है. ये आपका कर्व इस साइड पे मूव होगा. जब कर्व इस साइड पे मूव होगा तो इस एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे और इस एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो आपका कर्व कुछ ऐसा बनेगा. ओके सर. जी क्लियर है सबको? यस सर. ओके, विद अ रेफरेंस टू द कर्व्स स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HBr. जी, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेट का मतलब क्या है? स्पीड. तो स्पीड टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमेशा रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है सर, इंक्रीज हो जाता है. मगर आपने शब्द की रेफरेंस से एक्सप्लेन करना है.
सर मोर मोर एटम्स वुड हैव ओके देखें इंक्रीज हो रहा है ठीक है क्यों हो रहा है अगर हम कर्व के रेफरेंस से बात करें तो लोअर टेम्परेचर पे दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच हैव अ एनर्जी हायर देन द एक्टिवेशन एनर्जी राइट बट एट हायर टेम्परेचर दीज आर द नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच हैव अ एनर्जी हायर देन एक्टिवेशन एनर्जी राइट ये बात सबको समझ में आ रही है लोअर टेम्परेचर पे ये वाला एरिया था सिर्फ मॉलिक्यूल्स का प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था जिनके पास हायर एनर्जी है और हायर टेम्परेचर पे वो प्रोपोर्शन बढ़ गया तो हम यहाँ पे यही बात लिखेंगे कि रेट इंक्रीज हो रहा है क्यों बिकॉज at higher temperature greater proportion of molecules have energy greater than activation energy hence more frequency of successful collisions जब भी rate के increase या decrease होने की बात होती है तो हम हमेशा उसको in terms of successful collision explain करते हैं सक्सेसफुल क्लीजन की बेसिस पे जो है रेट बताते हैं कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ये बात क्लियर है सबको यस सर The decomposition of HBr is endothermic. State the effect of increasing temperature on percentage of HBr that decomposes. Use BTRTF principle to explain your answer. ठीक है, increase temperature करने से HBr की percentage पे क्या फर्क पड़ेगा? सर अगर temperature increase करेंगे तो HBr की percentage positive है. सर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एचबीआर की परसेंटेज कम हो जाएगी ओके और इक्विलिब्रियम सर राइट पे शिफ्ट करेगा टू अपोज दैट चेंज ठीक है देखें सिंपल सा रूल है इक्विलिब्रियम हमेशा उस साइड पे जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम हमेशा एंडोथर्मिक साइड पे शिफ्ट होता है चाहे रिएक्शन वो एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो इस केस में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक है क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव 103 आई है ठीक है और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होता है एक्सोथर्मिक साइड पे शिफ्ट होता है तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन में कहां पे शिफ्ट होना चाहिए राइट साइड पे सर राइट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए यानी कि परसेंटेज डिकम्पोजिशन एचबीआर की क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी ज्यादा परसेंटेज जो है एचबीआर की जो है वो डिकम्पोज होगी ये बात क्लियर है सबको यस सर जी बाकी सबको भी क्लियर है अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें
ओके तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देयर इज एन इंक्रीज इन परसेंटेज decomposition of HBr because increasing temperature shifts the equilibrium towards right और right side पे हमारा कौन सा reaction हो रहा था? Endothermic reaction हो रहा था. हमने बोला था कि Lee Chatwin principle की basis पे explain करें तो right पे क्यों shift होगा to oppose the increase in temperature क्योंकि हमने temperature raise किया है तो equilibrium according to the law of Lee Chatwin's principle equilibrium हमेशा उस direction में shift होता है जहां पे जो हमने change जो भी factor change किया है उसके change को oppose करने के लिए equilibrium उस direction में shift होता है. तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि जो टेम्परेचर मेंटेन था उससे ज्यादा कर दिया तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा होने लगा ताकि जो एक्सेस एनर्जी आई है या जो एक्सेस टेम्परेचर है उसे वापस जो है प्रीवियस टेम्परेचर पे लाया जा सके. जी ये आंसर सबको क्लियर है सर. अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो और रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक हो तो भी वो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में मूव करेगा. दोबारा पूछिएगा. अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो एंड रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक हो देन फिर भी एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में ही मूव करेगा. हाँ क्योंकि टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया ना. देखें सिंपल सा ये रूल है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन राइट पे शिफ्ट होगा सॉरी रिएक्शन एंडोथर्मिक साइड पे शिफ्ट होगा. फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू डेल्टा एच की क्या थी पॉजिटिव तभी इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है. अगर इसकी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती तो इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे तो अब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है क्योंकि इसका बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है. ठीक है सर. ठीक है तो टेम्परेचर चेंज टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमेशा एंडोथर्मिक साइड फेवर होगी चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे एक्सोथर्मिक साइड फॉरवर्ड होगी चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो. ओके सर. ओके
At 700 Kelvin, HBr is approximately 10% decomposed, but hydrogen iodide is approximately 20% decomposed. Explain with this difference with the reference to bond strength and the factors that affect them. जी क्वेश्चन समझ में आया सबको? सर HBr का जो बॉन्ड है वो लेंथ में कम होता है लेकिन HI का जो बॉन्ड है वो उससे ज्यादा होता है, तो इस वजह से HBr जल्दी ब्रेक करते हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। देखें HI अगर 20% डिकम्पोज हो रहा है सेम टेम्परेचर पे तो इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड वीक है रिलेटिवली और इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है रिलेटिवली। ओके सर ठीक है ये बात क्लियर है सबको। और मैंने उसके बाद उससे पूछा है कि फैक्टर बताएं तो वो उसमें हम जो है एटॉमिक साइज की बात करेंगे ठीक है। यस सर। तो सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे कि एच आई बॉन्ड इज एक मिनट दीजिएगा मुझे जी। एच आई बॉन्ड इज वीकर देन एच बी आर बॉन्ड। अब किस वजह से ऐसा हो रहा है तो देखें अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो क्लोरीन है फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। तो ब्रोमीन के एटॉमिक साइज जो भी होगा आयोडीन के एटम का एटॉमिक साइज उससे बिगर होगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे और हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सॉरी जो बॉन्ड पेयर है वो इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में ज्यादा डिस्टेंस पे होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड और इसी वजह से ये वीकर है। और ये ज्यादा डिस्टेंस पे क्यों है क्योंकि आयोडीन के एटम का साइज जो है वो लार्जर है। तो रीजन आपका क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड इज वीकर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड बॉन्ड। It is because iodine atom is bigger in size than bromine atom. So the nucleus of iodine attract the shared pair of electron with weaker force. जितना nucleus दूर होगा उतनी force of attraction क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी
और उसकी वजह से उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। 3 मार्क्स है तो इसलिए हमने पहले बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर किया, फिर उसका रीजन बताया कि क्यों आयोडीन वाला बॉन्ड वीकर है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है और साइज बड़े होने की वजह से जो उसकी बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है वो वीकर होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर जी। बाकी सबको भी क्लियर है? यस। ओके नाउ at temperature above 1500 Kelvin, HCl will decompose. A sample of 0.3 moles of HCl decomposed in a sealed container, the resulting equilibrium mixture was found to contain exponent minus 2 moles of chlorine. अब यहाँ पे एक important बात है कि देखें जो moles आपको HCl के दिए हैं वो कौन से moles दिए हैं? Initial moles दिए हैं, और जो chlorine के moles आपको बताएं वो कहाँ पे बताएं? At equilibrium वो moles बताएं। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. And what they are asking, calculate the amount in moles of hydrogen and HCl present in the equilibrium mixture. Equilibrium mixture में hydrogen की और HCl की amount बताएं equilibrium पे। तो जब भी आपको किसी भी reaction पे equilibrium पे number of moles find करने हो, so always sir ice table बनेगा ना? जी, always make an ice table. आप में से जो स्टूडेंट्स फैमिलियर हैं आइस टेबल से, जो नहीं हैं तो आई स्टैंड फॉर इनिशियल, सी स्टैंड्स फॉर चेंज एंड ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। ये बात क्लियर है सबको? तो आइस टेबल में हम सिंपली क्या करते हैं कि वी विल मेक अ 3 रॉज, 1 फॉर द इनिशियल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, 2nd फॉर द चेंज दैट इज occurring during the reaction for the reactants and product, and 3rd one is the E, which means that the amount of the reactants and products at equilibrium. ये बात clear है सबको? Yes sir. जी यशफा, अमीना, अशना, आप लोगों को भी clear है? Yes sir. मुबश्शर? Okay. अब यहाँ पे देखें HCl के इनिशियल मोल्स हमें कितने पता है? 0.300, और उन्होंने इनिशियली जब कंटेनर को सील किया तो क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐड किया था? नो सर, 0.00 है। आपके पास इस स्टेटमेंट में सिर्फ ये बात बताई गई है कि HCl के 0.300 मोल्स लिए गए, तो इट मींस हाइड्रोजन और क्लोरीन की अमाउंट क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस। ओके, क्लोरीन के हमें इक्विलिब्रियम पे मोल्स पता हैं जो कि कितने? 1.50 एक्सपोनेंट माइनस 2। अच्छा, अब अगर आप क्लोरीन और हाइड्रोजन का मोल रेशियो देखें तो दोनों का मोल रेशियो क्या है? सर सेम है। यस सर, जितने क्लोरीन के मोल्स हैं उतने ही हाइड्रोजन के मोल्स हैं, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ मोल्स उतने ही होंगे। मैं इसे 0.0015 लिख रहा हूं, ठीक है? 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 2 लिखूं या 0.0015 लिखूं? नहीं सॉरी, 0.015 होगा, ठीक है? ये बात क्लियर है जी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की कौन के मोल्स में क्या चेंज आया? बेसिकली पॉजिटिव 0.015 हाइड्रोजन के मोल्स में चेंज आया और पॉजिटिव 0.015 क्लोरीन के मोल्स में चेंज आया, और इनिशियल मोल जीरो थे, तो जब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास यही मोल्स हमें मिले इक्विलिब्रियम पे। ये बात क्लियर है सबको? जी। ओके भाई, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो सर। ओके, अब अगर हम हाइड्रोजन या क्लोरीन में से किसी भी एक को HCl से रिलेट करें तो दोनों का मोल रेशियो क्या बनेगा? 2 moles HCl के और 1 mole हाइड्रोजन के। इट मींस अगर 2 moles HCl के कंज्यूम होंगे तो हाइड्रोजन का 1 mole फॉर्म होगा, राइट?
यस सर जी, बाकी सबको भी ये बात क्लियर है? यस। तो अगर FCL का 0.015 मोल्स फॉर्म हो रहा है तो इधर डिक्रीज 2 टाइम 0.015 मोल्स का आना चाहिए, क्योंकि इसके मोल्स डबल हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। जी ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? जी बाकी सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? जी अगर नहीं क्लियर तो प्लीज पूछ लीजिए। तो अगर मैं इनिशियल में से जो चेंज आ रहा है उसको माइनस कर दूंगा तो 2 टाइम 0.015 क्या हो जाएगा 0.03, और 0.30 में से 0.03 माइनस करें आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0.27। तो इट मींस हमें ये आंसर मिल गया कि हाइड्रोजन के इक्विलिब्रियम पे मोल्स और के इक्विलिब्रियम पे मोल्स, हाइड्रोजन पे के इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने हैं 0.015 हैं और HCl के कितने हैं 0.27 है। अगर इससे किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो प्लीज पूछ ले। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है बेटा। इज इट पॉसिबल कि हम लोग इक्विलिब्रियम पे 0.27? आपकी आवाज फिर खत्म, बिल्कुल गायब हो गई सर। अब आ रही है? जी आ रही है सर। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे 0.015 बीच में थोड़ी सी हाई होती है फिर लो कम हो जाती है बिल्कुल। दोबारा बोलिएगा। सर आई गेस मेरे इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी। ओके जी, बाकी सबको यहाँ तक क्लियर है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द होल मिक्सचर। ओके, मोल फ्रैक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे HCl का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे HCl के मोल्स कितने हैं 0.27 है। टोटल मोल्स कितने होंगे जरा तीनों को ऐड करें जी, कोई टोटल मोल्स कैलकुलेट करके बताए। 0.27 प्लस 0.015 प्लस 0.3 आ रहे हैं। इसको मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन भी कह सकता हूँ क्योंकि दोनों के इक्वल मोल्स हैं। जी तो क्या आंसर आ रहा है? 0.05 और ऊपर 0.9. So here we have a 0.9, here we have a 0.05, and here we have a 0.05. जी ये क्लियर है सबको? Yes sir. जी बाकी सबको? Yes sir. Okay. Sir comparatively ये वाला paper आसान नहीं है? अभी तक तो आसान ही है। In another experiment, under different conditions, an equilibrium mixture was produced with the mole fraction for each species as shown. अच्छा, अब यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन हर स्पीशी के प्रोवाइड कर दिए हैं। Write the expression for the equilibrium constant Kp for the decomposition of HCl. Kp लिखना है तो Kp की एक्सप्रेशन क्या होती है? Partial pressure of hydrogen multiplied by pressure of product divided by partial pressure of the reactant. तो ऊपर हमारे पास products आएंगी, यानी के partial pressure of hydrogen, और power one ही रहेगी क्योंकि number of moles one है, into partial pressure of chlorine,
अगेन पावर वन रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स वन है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl स्क्वायर क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स टू है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस सर. Explain why the total pressure of the system does not need to be known for Kp to be calculated for this experiment. देखें, partial pressure किसके equal होता है? Mole fraction into total pressure. Partial pressure is always equals to mole fraction into total pressure. तो अगर मैं यहाँ पे ये substitute करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl स्क्वायर. ये बात क्लियर है सबको? ये पॉइंट समझ? यस सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो. की आवाज आ रही है आप सबको? यस सर. ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो प्रेशर है वो कैंसिल आउट हो रहा है और उसका रीजन ये है कि हमारे पास इधर भी टू मोल्स हैं गैस के और इधर भी टू मोल्स हैं गैस के. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो उस केस में हमारा जो प्रेशर है वो रिमूव इग्नोरेबल होता है, हम उसको जो है इग्नोर कर सकते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि हम टोटल प्रेशर का मालूम होना जरूरी नहीं है केपी कैलकुलेट करने के लिए. तो उसका सिंपल रीजन लिखेंगे, इट इज बिकॉज देयर आर इक्वल नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. ये बात क्लियर है सबको? यस सर जी. और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें. नाउ दे हैव आस्किंग यू टू कैलकुलेट द केपी. तो ऊपर आपको मोल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, यही मोल फ्रैक्शंस आप पुट कर देंगे तो 0.06 टाइम्स
0.06 जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मोल फ्रैक्शन थे, और नीचे HCl का मोल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, जो कितना है 0.88, और हम उसका स्क्वायर कर देंगे, जी आंसर बताइए। सर 4.65 इंटू 10^-3।4.65 into 10 to the power minus 3. Is it understandable to everyone? Yes, sir. जी बाकी सबको भी क्लियर है? Yes, sir. सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, यू आर लैगिंग अ लॉट। अश्ना, अमीना, हेलो,